नमस्कार मरम छात्र छात्री मोर यूट्यूब चेनेल एडुकेटम तुम लोग स्वागत जानसो आज भिडिओटित आम क्लास सेवेनर हिंदी पल्लव भाग तो जी आठ नम्बर लेसन आए अपनो के पत्र सीटे आलोचना करम जद तुम लोग भिडिओं से भल पा तैयार लाइक करा क्या नुबुझा थकिले कमेन्ट बक्स और मोर चेनेल सबसक्राइब करा और यू पाठ जी प्रश्न उत्तर आज मैं आगर भिडिओत आलोचना करदे तुम लोग प्रयोजन भाबा प्रयोजन भाबा तीडियो चाह लो पारा और आशा करूँ आज भिडिओटे तुम लोग उपकृत करिडिओटि आरम्भ करूँ अपनों के पत्र अपनों के पत्र माने हैं प्रियजनर चिठी। सर्दी का मौसम है, ठंडा दिन, गौतम और गीतांजलि आंगन में खेल रहे हैं। गौतम और गीतांजलि चौतालत खेलिए उन्हें अपने पिताजी की याद सता रही थी। देवता कले मनत करी देवता कले मनत पड़ी वे भारतीय स्थल सेना में नौकरी करते हैं। देवता सैन्य बाहन चाकरी करे देवता के हाल ही में उनका अरुणाचल प्रदेश में तबादला हुआ है। कईदिन मान आगते अरुणाचल प्रदेश कि पासे ट्रांसफार हुई है बदली। काफी दिनों के बाद उनके पिताजी से एक चिट्ठी आई। बहुत दिन पीछे देवतर एन चिठी पाले एकाएक गीतांजलि चिल्लाने लगी। चिठी पारे गीतांजलि चिंर धरले चिट्ठी आई कि चिंरले चिठी आहिल डाकिया ने गौतम को एक लिफाफा दिया। डाकिया मानने से पियन पियने गौतमक एट लिफाफा एट दिले चिठी खाम एट दिले दोनों चिठी निकाल कर पढ़ने लगे दो चिठी उलिये पढ़ले। इते ऊपर जी बक्स लिखी से तक एड्रेस तो लिखी से तलर खि चाबा प्यारे मरमर गौतम और गीतांजलि गौतम और गीतांजलि तावांग कौन ठाईर लिखी से तावांगर पर लिखी से कि तारिखे डिसेम्बर 20 तारीख 2011 सन डिसेम्बर 20 तारिखे चिठी लिखी से मेरा प्यार व आशीर्वाद लेना कैसे जे मोर मरम और आशीर्वाद ग्रहण करा तुम लोगों की चिट्ठी मुझे बहुत पहले ही मिल चुकी थी। जो तुम लोग जी चिट्ठी दिशा चिठीन मैं बहुत दिन आगते पासी परंतु जवाब लिखने के बाद भी चिट्ठी भेज नहीं पा रहा था। मैं उत्तर लिखी चिठीन रिप्लाई लिखी उत्तर लिखी कि मैं चिठीन पठियबरा ना यहाँ मेरी खैरियत ही है इत मैं भले आसो उम्मीद है कि घर में सभी सकुशल है आशा करूँ जो घर तो सको भले आसे। कुछ दिन पहले मेरी ड्यूटी भारत चीन सीमा पर लगी है। कईदिन मान आगते मोर कलो ट्रांसफार हो मोर कम कर्मरत हो भारत और चीनर सीमा मैं कईदिन मान आगर पर इते मान इते मोर ड्यूटी पड़े इते मैं कम कर आसू। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि वहाँ से टेलीफोन करना तो दूर की बात चिट्ठी भेजना भी आसान नहीं है। तुम लोग एक कथा तो गम पाए आचरीत हबा जे भारत चीन सीमार पर फोन करा तो दूर कथा चिट्ठी पठवा तो सहज न है। ओ मैं तो भूल ही गया था कैसे जे मैं एक कथा कबले पहरी गईसिलु तुम लोगों ने अपनी चिट्ठी में अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था। तुम लोग जी आगते चिठी दिशा तक तुम लोग अरुणाचल प्रदेश विषय प्रदेश के विषय तुम लोग जानते हो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखे बिना तुम लोग शायद ही इसकी कल्पना कर सकोगे। जाना यार प्राकृतिक सौंदर्य नेदेखा कोई तुम लोग यार विषय एक कल्पना करा मानने देखने इन बेसि धुनिया पूरा प्रदेश पहाड़ों से भरा है एक गोटे राज्य पहाड़े आवरा चारों ओर हरियाली ही हरियाली है चारिफाले सेजिया और सेजिया। तुम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि यहाँ आकर मुझे किसी से बातचीत करने में तकलीफ ही नहीं हुई है। तुम लोग एक तो कथा गम पाए भल पबा आनंदित हबा जो मैं इले मानुर कथा पता एक मानने एक मैं समस्या सम्मुखीन हुआ ना क्य कैसे इनेक मैंने आम जो कि भाषा कौमिया कि आम जो बेलेग क्या राज्य जाऊँ भारत बाहर ले जाऊँ तक बेलेग भाषा कबलगिया है कि तक गई मानने मानने ये लैंगुएजर क्षेत्र भाषार क्षेत्र कमस्यार सम्मुखीन हुआ ना क्य ना चबा राजधानी ईटानगर समेत पूरे राज्य में
संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही प्रचलित है। कैसे जे अरुणाचल राजधानी कि तुम लोग निश्चय जाना ईटानगर, ईटानगर और गोटे राज्य सम्पर्क भाषा हिसाब माने कथोपकथन भाषा हिसाब कि भाषा क्या है हिंदी। हिंदी तो कम बेसि परमाणे सकुए जाने। हालांकि यहाँ के कार्यालयीन भाषा अंग्रेजी है किंतु यार कार्यालय भाषा की है इंग्रजी है। बच्चों सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह कोई कई दर्शनीय स्थल है। कैसे जो आटाइटक भल लगा कथा ये इतना बहुत सबलगिया ठाई आसे। तावांग, बोमडिला, टीपी, भालुकपुंग, ईटानगर, जीरो, आलंग आदि ढेर सारे दर्शनीय स्थलों का आगार है अरुणाचल। ये ठाई समूह अरुणाचल प्रदेश से आसे कि तावांग, बोमडिला, टीपी, भालुकपुंग, ईटानगर, जीरो, आलंग एवलाक ठाई। तावांग शहर भी किसी दृष्टि से कम नहीं। कैसे जिखन तावांग शहर आसे सीखन कुनो फालर पर कम न होय इमान बेसि धुनिया देखिबले। वहां का बौद्ध मंदिर करीब 400 साल पुराना है। तार जितु बुद्ध मंदिर आसे हेतु प्राय 400 बसर पुरनी। इस मंदिर में दिसंबर जनवरी महीने से बड़ा उत्सव होता है ये मंदिर तो दिसंबर जनवरी माह बहुत डांगर की है उत्सव है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर जमा होते हैं। यालय सेखिनि समय देश विदेश पर्यटक ठाईन कि है सीखी समय भरी पड़े। जानते हो तावांग पहुंचने के लिए विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे चीला पास पार होकर जाना पड़ता है। तुम लोग जाना जे तावांग आम लगे विश्व आटाइटक डांगर चीला पास। चीला पास मानने दुखन तक बेसि पहाड़ मजर जीखी द ठाई थके कथा क्या आटाइटक ऊख एने ठाई पृथ्वी भर द्वित आटाइटक ऊख जी ठाई आसो ठाई पार हो लगे। उसके एक फोटो भी भेज रहा हूँ। मैं तुम लोग तारे फोटो पठियाँ। तावांग से कुछ ही दूरी पर भारत चीन सीमा है। कैसे तावांगर पर किस दूर भारत और चीनर सीमा आसे यानी सीमा पर चीन है ये जार अर्थ है जी सीमा आसे बोर्डार आसे बोर्डारर सीमा चीन देश आसे यही मेरी ड्यूटी लगी है। इते मैं बर्तमान कर्मरत हो आसो। टीपी अर्किडो से भरा एक अविस्मरणीय स्थल है। टीपी होल अर्किड फूलेरे भरा एखन माने कल्पना करिबो नुवारा था इमान धुनिया। भालुकपुंग में तो तुम लोग पिछली बार पिकनिक मनाने आए थे। भालुकपुंग तो जो बसर तुम लोग पिकनिक खाबले आहिसिला। भालुकपुंग पौराणिक कथा से जुड़ा एक पर्यटन स्थल है। भालुकपुंग पुरनी ऐतिहासिक कथार कथार लगत जड़ित थका एखन पर्यटन स्थल है जहाँ राजा बांग के पिते पोते भालुक ने अपनी राजधानी बनवाई थी। जो राजा बानर पोते पोते माने हुए नातिएक भालुके एखन राजधानी बनाई नातिएकर नाम आसिल भालुक भालुके तात राजधानी बनाई सेकारणे भालुकपुंग नाम हुए ठाईखिनिर। बच्चों तुम लोगों को एक बार अरुणाचल प्रदेश घुमाने जरूर ले आऊँगा। जे कैसे जो तुम लोग एबार मैं निश्चय अरुणाचल प्रदेश में फुराबले आनीम। बस आज यही खत्म करता हूँ। आज मैं एखिनिते एरिसो। हाँ अंत में मेरा प्यार तुम्हारी माँ को भी देना। शेष तुम लोग माँ लो मरम पठियाई तुम्हारे पिताजी तुम लोग देवता। चिट्ठी पढ़ने के बाद गीतांजलि कागज कलम लेकर चिट्ठी का जवाब लिखने बैठ गए। चिट्ठी पढ़ार पिछत गीतांजलि कागज कलम लो चिट्ठी उत्तर दीबले बहि गल। थोड़ी देर बाद गौतम ने गीतांजलि से कहा। किसु समय पिछत गौतमे गीतांजलि कले कि कले गौतमे गीतांजलि खुदिले कि खुदिले बहन सुनाओ तो पिताजी को क्या क्या लिख रही हो। कैसे जे भंटी तुम्हें क्वासन तुम देवता लो कि लिखिसा देवता लो चिठित कि लिखिसा। गीतांजलि ने भैया को चिट्ठी दिखाई। गीतांजलि ककायक चिठीखन देखुआले। पिताजी मेरी खबर अच्छी है। कैसे से देवता मोर खबर भाल। आपकी चिट्ठी आज मिली अपनार चिट्ठी खन आज पालू। चिट्ठी का आरंभ देखकर गौतम ने कहा। चिट्ठी आरम्भणी तो देखा पाए गौतम कले अरे या तुम क्या लिख रही हो। कले जे या तुम्हें कि लिखिसा। चिट्ठी लिखने का तरीका होता है चिट्ठी लिखार एटा नियम आसे।
पारिवारिक पत्र में सबसे ऊपर संबोधन होता है होना चाहिए कैसे जे जब पारिवारिक चिठी है सभी सकोतको ऊपर संबोधन संबोधन तो लिख लगे उसके दाहिनी ओर चिठी भेजने वाले के स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं तार सूफाले जिए चिठी लिखी से सीजर जो चिठी लिखी से ठाई और दिन तो लिख इसके बाद अभिवादन मूल कलेवर और अंत में स्व निर्देश वांछनीय है तार पिसत अभिवादन जनाब लगे माने खबर हुदिबो लगे तार पिसत मेन कथाखिनि लिखिबो लगे आरो हेखत हामरनि लगे आओ मे बोलता जाता हूँ तुम लिखती जाओ आहा मय तुमाक कय थाकिम तुमि लिखि जा गौतम बोलता गया और गीतांजलि लिखती गई गौतमे कय गल आरो गीतांजलिये लिखि गल पूज्य पिताजी पूजनीय देवता सादर प्रणाम नमस्कार ग्रहण करिबो एफाले लिखिसे होफाले लिखिसे सुवा थुबरी बुली लिखिसे आरो 29/12/2011 डिसेम्बर 29 तारिखे चिठीखन लिखिसे तलत कि लिखिसे साबा हमें आपकी चिठी मिलने पर बहुत खुशी हुई अपनार चिठीखन पाए आमी बहुत आनंदित हलु चिठी के साथ भेजी गई तस्वीरों को देखकर और आनंद मिला चिठीर लगत आपुनी जेबिलाक फटो पठियाइसे हेबिलाक साय छबि पठियाइसे हेबिलाक साय आरो बेसी आनंद लागिले यहाँ हम सभी सकुशल है यहाँ आमी सकलो भाले कुखले आसु पिताजी अरुणाचल के बारे में जानकर हम वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठे है कैसे जे आमी अरुणाचल प्रदेशर विषय आपनार चिठीर परा गम पाए एटा आमार तालै जाबोले बहुत बेसी इच्छा गय आसे जितनी जल्दी हो सके वहाँ ले जाइएगा जिमान हुनकाले पारे आमाक तालै लै जाबो हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है अमार पढ़ा होना ठीक चलि अब वहाँ सावधानी से रहिएगा अपनी तक सवधान थकब भगवान से प्रार्थना है कि आप वहाँ खैरियत से रहे भगवान ऊर प्रार्थना जानसो अपनी जो तक कुशले थके अच्छा आज के लिए बस इतना ही आजिकार ये चिठी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी अपनी चिठी उत्तर दी आम बात चाई आपके प्यारे बेटे बेटी गौतम और गीतांजलि अपनार मरमर मरमर लरा छोवाली बुली कब पारो मरमर सन्तान बुली आमी कब पारो गौतम और गीतांजलि गौतम ने चिठी पूरी होने के बाद माको भी पर सुनाया चिठीखन सम्पूर्ण हुआर पिसत गौतमे माकक पढ़ाई सुनाले इसके बाद एक लिफाफे में उसे बंद कर दिया और लिफाफे पर पिता का नाम और कार्यालय का पता लिख लिया तार पिसत चिठीखन एखन लिफाफात भर लिफाफा खाम एटार भर सोमाय दिले और लिफाफाटर ऊपर देवतर नाम और देवतर अफिशर नाम कार्यालय नाम तक लिखी दिले उसने माँ से इजाजत ली और चिठी डाकघर में डाल आया तार पिसत माकर अनुमति लो चिठीखन डाकघर दिले निश्चय बुझी पासा पाठ इतना जीखिन प्रश्न उत्तर आज आगर भिडिओ आलोचना करा तुम लोग प्रयोजन আছে প্রয়োজন আছে বুলি তোমালোকে ভাবা তেতিয়াহলে ভিডিওটো চাই লব পাৰিবা আৰু যদিহে এইটো ভিডিও চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা বা বেলেগ কিবা ভিডিও যদি তোমালোকক লাগে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ।